तालिबान ने बंदूक के दम पर अफगानिस्तान पर कब्जा तो कर लिया, लेकिन अब सरकार चलाने में उसके पसीने छूट रहे हैं। तालिबान इन दिनों देश की खस्ता हाल अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है। अमेरिका ने अफगानिस्तान के फंड फ्रीज कर लिए हैं, जिसके चलते सरकार चलाने तक में परेशानी आ रही है। ऐसे में तालिबान सरकार के सुर बदलने लगे हैं। तालिबान ने अमेरिका की ओर दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मोताकी ने एक इंटरव्यू में कहा कि उन्हें पुराने दुश्मन अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों के साथ दोस्ताना रिश्तों में कोई परहेज नहीं है, बशर्ते अमेरिका अफगानिस्तान के लिए 75,000 करोड़ रुपए के फंड को जल्द से जल्द जारी करे। ये फंड अमेरिका ने अगस्त में अफगानिस्तान में तालिबान राज के काबिज होने के बाद फ्रीज कर दिए थे। मोताकी ने कहा कि अफगान लोग मुश्किलों का सामना कर रहे हैं, वैश्विक बिरादरी को मदद के लिए आगे आना चाहिए। उन्होंने कहा कि नई सरकार अफगानिस्तान में महिला शिक्षा के प्रति संकल्पित है। मोताकी ने कहा कि इस बार तालिबान राज पहले जैसा नहीं है, हमने अपने में काफी बदलाव किया है। आज 12वीं कक्षा में पढ़ने वाली लड़कियां देश के 10 प्रांतों के स्कूल में जा रही हैं। उन्होंने कहा कि तालिबान सरकार ने सत्ता में काबिज होने के बाद बदलाव की भावना में कोई कार्रवाई नहीं की है, बैन लगाने से कुछ हासिल नहीं होगा। अफगान विदेश मंत्री आमिर खान मोताकी ने कहा, अफगानिस्तान के खिलाफ प्रतिबंध लगाने से कुछ नहीं मिलेगा। सत्ता हासिल करने के बाद पहले महीने में सरकार से कुछ गलतियां हुई हैं। सरकार अब अपनी गलतियों से सीखते हुए आगे बढ़ रही है। हम अफगानिस्तान को आगे ले जाने के लिए काम कर रहे हैं। मोताकी ने कहा कि नई सरकार अफगानिस्तान में महिला शिक्षा की तरफ सुधार करेंगे, महिलाओं को नौकरी में अधिक मौका दिया जाएगा। इस बार तालिबान पहले जैसा नहीं है, हमने अपने आप को काफी बदला है। आज 12वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़कियां स्कूल जा रही हैं। तालिबान सरकार बदले की भावना से कार्रवाई नहीं कर रही। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को आखिर तक देखने के लिए आपका दिल से शुक्रिया। आपको ये हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी ही तमाम जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें TV9 डिजिटल। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए, कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।